नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। दूसरे राज्य से मॉडलिंग के लिए जयपुर आई युवती के साथ गुरुवार रात कैब चालक और उसके साथी ने पिस्टल की दम पर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। हिम्मत दिखाते हुए लड़की ने आरोपियों से मारपीट की और बचकर वहां से भाग निकली। पुलिस ने बताया कि मामले में कैब चालक सुरेश वर्मा और उसका साथी सचिन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। कैब चालक 30 वर्षीय सुरेश वर्मा जयपुर के विधाधा नगर का रहने वाला है, जबकि उसका 25 वर्षीय साथी सचिन शर्मा जगतपुरा में रहता है, मूलतः भरतपुर का रहने वाला है। मामले के अनुसार उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली 21 वर्षीय युवती चित्रकूट में रहकर बीए की पढ़ाई के साथ मॉडलिंग का काम सीख रही थी। गुरुवार रात दुर्गापुरा स्थित एक क्लब में जन्मदिन पार्टी में शामिल होने आई थी। इसके बाद देर रात करीब 1:15 बजे घर जाने के लिए उसने कैब बुक करवाई। कैब में पहले से ड्राइवर के बगल में एक युवक बैठा हुआ था। युवती ने जब पूछा तो बताया, ये मेरा दोस्त है, इसे भी चित्रकूट ही छोड़ना है। इसके बाद पीड़िता को कैब में बिठा लिया। जब कैब सोडाला के पास पहुंची तो ड्राइवर का साथी चलती कार में अचानक पीछे युवती के पास आकर बैठ गया और पिस्टल दिखाकर उससे छेड़छाड़ करने लगा। इस दौरान युवती ने हिम्मत दिखाते हुए दोनों युवकों का सामना किया। उसने दोनों युवकों से मारपीट की, जिसमें एक युवक घायल हो गया। दूसरा आरोपी घायल युवक को संभालने लगा। इस दौरान मौका देखकर युवती वहां से भाग गई। पीड़ित युवती चित्रकूट थाने पहुंची, लेकिन मामला जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र का होने पर वहां के पुलिस को बुलाकर मामला उन्हें सौंप दिया गया। चित्रकूट पुलिस ने बताया कि युवती थाने में है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी की जीभ कटी हुई है, वह किसी अस्पताल में जा सकता है। इसके बाद डीसीपी राहुल जैन ने सभी अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि आरोपी की जीभ कटी हुई है और वो किसी भी हॉस्पिटल में आ सकता है, इसकी सूचना पुलिस को दे। पुलिस ने शुक्रवार सुबह कैब ड्राइवर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से नकली पिस्टल और कार भी जब्त की गई है। लगातार अपडेट्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को टैप करें, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।